आज हम योगा और मेडिटेशन से क्या फायदा होगा और क्यों हमें सीनियर लिविंग में योगा और मेडिटेशन को फॉलो करनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा ध्यान देंगे। ब्रेन का पूरी तरह से नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए अपना दिमाग जो है स्ट्रेस फ्री होना बहुत जरूरी है। अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रेस फ्री करने के लिए दो तरीके बहुत फायदेमंद होते हैं, एक योगा प्रैक्टिसेस और दूसरा मेडिटेशन प्रैक्टिसेस। हालांकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पार्ट ही हैं। फिजिकल एक्सरसाइज करने से या फिर योगासन करने से फ़ायदा ये मिलता है कि आप अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हो। जब अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हो अपने मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। और दूसरा फायदा ये है कि जब आप योगा प्रैक्टिसेस करते हो अपना मसल का स्टिफनेस कम हो जाते हैं और आपके जॉइंट्स का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाते हैं। आपका शरीर रिलैक्स हो जाता है, आपका ब्रेन भी रिलैक्स हो जाता है, आपका थॉट प्रोसेस भी रिलैक्स हो जाते हैं, आपका इमोशंस रिलैक्स हो जाते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप मेडिटेशन भी कर सकते हो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका स्ट्रेस लेवल में काफ़ी हद तक सुधार आ सकते हैं। योगा करने के लिए और मेडिटेशन करने के लिए सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट ये रहता है कि जब आप एक ग्रुप में करते हो, अपने साथियों के साथ करते हो। अकेले योगासन करने के लिए जब जाते हैं तो एक दो दिन तो चलता है, उसके बाद जो है उसकी कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम आ जाती है। जब हम ग्रुप में करते हैं, साथियों के साथ करते हैं, इसको कंटिन्यू होने की संभावना ज़्यादा है। हम अपने सीनियर लिविंग कॉम्प्लेक्सेस में देखे हैं कि योगा एज अ मास प्रोग्राम चलता है। लोग सब लोग मिलजुल के योगा प्रैक्टिसेस करते हैं और मेडिटेशन को भी मिलजुल के करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज प्रेस द थंब बटन एंड शेयर दिस लिंक विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड प्लीज कमेंट एंड आस्क क्वेश्चंस। वी वुड बी हैप्पी टू रिप्लाई टू योर क्वेरीज।